क्या आप जानते हैं यहूदी अजान कैसे देते हैं? आपने कभी यहूदियों की अजान सुनी है? और यहूदी और मुसलमान की अजान में किस अजान की आवाज सबसे ज्यादा खूबसूरत है? और यहूदी अपनी अजान में क्या कहता है? तो चलिए पहले हम यहूदियों की अजान सुनते हैं। जैसा कि हमने यहूदियों की अजान सुनी जिसे शीमा कहा जाता है, जिसे ये लोग दुआ के लिए देते हैं, जिसमें ये लोग कहते हैं ए इसराइल हाशिम हमारा खुदा है, यानी अल्लाह को ये लोग हाशिम कहते हैं, और वह एक है। खुदा की हुकूमत हमेशा कायम रहेगी और तुम अपने खुदा से मोहब्बत करो और अपने बच्चों को भी अपने खुदा के बारे में बताओ। अगर तुम उसकी इबादत करोगे तो आसमान का दरवाजा तुम पर खोल दिया जाएगा, अगर नहीं करोगे तो वो तुम पर आसमान का दरवाजा बंद कर देगा। तो ये थी यहूदियों की अजान जिसे ये लोग दुआ के लिए देते हैं, और ये वही कौम है जो कि हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान न लाए, हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को ना कबूल करके गुमराह हो गए। तो चलिए अब सुनते हैं मुसलमानों की अजान। الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله
الصلاة مسلمانوں کی اذان جسے مسلمان نماز کے لیے دیتے ہیں جس میں بتاتے ہیں کہ اللہ سب سے بڑا ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے اور کامیابی کی طرف بلاتے ہیں یعنی نماز کی طرف بلاتے ہیں تو آپ کو کون سی اذان اچھی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیں